नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मिशन नेक्स्ट एग्जाम में। दोस्तों, NCL के मॉडल पेपर सीरीज के अंतर्गत आज ये हमारा चौथा मॉडल पेपर है और इससे पहले तीन मॉडल पेपर सोल्व करके अपने अपने चैनल पर पहले ही अपलोड कर दिए। और दोस्तों, अगर आपने भी मॉडल पेपर नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर भी मॉडल पेपर जरूर देख लीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपको PDF भी चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल भी सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर एक नई वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मोटरयान अधिनियम कब लागू किया गया? तो दोस्तों, ये लागू किया गया था सन 1988 को, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के काले चावल को जीआई टैग दिया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मणिपुर को। मणिपुर के जो काले चावल है उसको जीआई टैग दिया गया है। चलिए यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, अब की बार जो 2020 में पुलित्जर पुरस्कार से भारत के जो पत्रकार सम्मानित किए गए वो दार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद, यानी इनमें से सभी तीनों को जो है 2020 का पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। चलिए, और ये पत्रकार जो पुलित्जर पुरस्कार होते हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाते हैं। चलिए, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है जो पुलित्जर पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, तो ये दिए जाते हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट है हमारा, फ्लिपकार्ट का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, फ्लिपकार्ट का नया CEO नियुक्त किया गया है श्री राम वेंकट रमन को, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, ये मनाया जाता है ऑप्शन सी, 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। चलिए इस क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से कौन सा कार्यक्रम दुनिया का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम बन गया है? तो इसका आंसर तो सभी को पता होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, रामायण, जो भी हाल ही में दूरदर्शन चैनल पर प्रसारित किया गया था, वो दुनिया का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम यानी शो बन गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा दाल उत्पादन किया जाता है? तो वो किया जाता है ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, सबसे ज़्यादा दाल उत्पादन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोटरयान संशोधन अधिनियम 2019 में ओवर स्पीड वाहन चलाने पर जुर्माना 500 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है 5,500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 कर दिया गया है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, वाटरलू युद्ध में नेपोलियन को अंत में किस वर्ष पराजय मिली? तो ये मिली थी 1815 में, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो वो करवाया था नरसिम्हा प्रथम ने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तेलंगाना राज्य किसका विभाजन है? तो ये विभाजन है आंध्र प्रदेश का, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो अर्थशास्त्र के जनक है एडम स्मिथ, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नोबल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है? तो ये करता है स्वीडन, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था पोखरण, राजस्थान में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और इस पर एक मूवी भी बनी हुई है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, भारत में अनेक कोयला क्षेत्र कहाँ मिलते हैं? तो दोस्तों, ये मिलते हैं ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दामोदर नदी घाटी में अनेकों कोयला क्षेत्र मिलते हैं भारत में। चलिए अगला है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, ये मनाया जाता है 16 सितंबर को, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी चट्टान अवसादी चट्टान होती है? तो दोस्तों, ये होती है ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और गिर गर्म की जो चट्टानें होती है वे अवसादी चट्टानें होती है। नेक्स्ट है हमारा, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो दोस्तों, ये लागू किया गया था 1972 में, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की तिथि को मनाया जाता है, यानी किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 फरवरी को, तो ए बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो दोस्तों, वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेड डाटा बुक किससे संबंधित जानकारी रखती है? तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी, तो ऐसे दुर्लभ पादप और प्राणी जिनके खतरे की आशंका है, तो बी इसका करेक्ट
करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऐसे ही बिल्कुल सेम क्वेश्चन वहाँ पर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने। चलिए नेक्स्ट हमारा, कौन से वैज्ञानिक द्वारा रेडियो धर्मी तत्व की खोज की गई थी? तो ये की गई थी मैडम क्यूरी के द्वारा, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है फिल्मों से, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों सेबी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी सन 1992 में, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह ग्रह कौन सा है जिसका पृष्ठीय ताप सर्वोच्च होता है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी, शुक्र ग्रह जो होता है उसका पृष्ठीय ताप सर्वोच्च होता है। और दोस्तों ग्रहों के बारे में हमने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड कर रखी है डीपली से, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा वर्ल्ड जियोग्राफी के नाम से, आप वहाँ से वीडियो जाकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि हमने उस वीडियो में वही टॉपिक कवर कराया है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है ग्रहों से संबंधित। चलिए आप उस वीडियो को जरूर जाकर देख लीजिए। नेक्स्ट है, निम्न में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? तो दोस्तों सबसे मीठी शर्करा है फ्रुक्टोज, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, विटामिन B12 में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो दोस्तों इसमें पाया जाता है कोबाल्ट, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा, बांग्लादेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बांग्लादेश की स्थापना हुई थी सन 1971 को, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय में दिया गया था? तो भारत को जो प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, रेडियो धर्मिता की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों रेडियो धर्मिता की खोज की गई थी मैडम क्यूरी के द्वारा, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूँगा, ये किसने कहा था? तो ये कहा था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी 1885 में, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी AU ह्यूम द्वारा। और एक क्वेश्चन ऐसा और पूछा जाता है इसमें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों वो थी एनी बेसेंट, और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष तो वो थी सरोजिनी नायडू। दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं, अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों ये हुआ था सन 1949 को, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विजय लक्ष्मी पंडित, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष थी। चलिए नेक्स्ट हमारा, सदाबहार किस्म के वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं मानसून जलवायु क्षेत्र में, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा, निम्न में से कौन सा भारतीय लोक नृत्य है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गरबा, और डी मणिपुरी, ये दोनों है, ये कथकली है, ये होता है कथकली, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि ये इसमें जो लिखा हुआ है इसमें मिस्टेक है, और यह है मोहिनीयाट्टम, ये मोहिनीयाट्टम नहीं होता, ये मोहिनीअट्टम होता है, तो गरबा और मणिपुरी भारतीय लोक नृत्य है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, पृथ्वी के समीप पाए जाने वाली वायुमंडल परत को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको कहते हैं ट्रोपोस्फेयर, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जीबी माव लंकर। चलिए और नेक्स्ट है हमारा, सऊदी अरबिया की मुद्रा क्या है? तो सऊदी अरबिया की मुद्रा है रियाल, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो करता है लोकसभा का अध्यक्ष, और जो ये है ये अधिवेशन बुलाता कौन है? तो अधिवेशन बुलाता है राष्ट्रपति, और अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट हमारा, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों राष्ट्रीय पुलिस अकादमी जो हैदराबाद में स्थित है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन दिल्ली इलाही का सदस्य बना था? तो ये बना था
राजा बीरबल, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, हमारा गांधी जी की अध्यक्षता में एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? दोस्तों वो किया गया था बेलगांव कर्नाटक में, तो बी इसका करेक्ट ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, हमारा सन 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किसको हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे? तो दोस्तों उन्होंने हराया था पट्टाभी सीतारमैया को, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, लोधी वंश का संस्थापक कौन है? तो लोधी वंश का संस्थापक है बहलोल लोधी, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो दोस्तों वो मिलता है ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, माइटोकांड्रिया में न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है। चलिए नेक्स्ट हमारा, दक्षेस यानी दक्षिण एशिया क्षेत्र सहयोग संघ का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों वो हुआ था ढाका में, ढाका बांग्लादेश में इसका आयोजन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों प्लासी का युद्ध हुआ था जो 1757 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट हमारा, सन 1931 में भारतवर्ष में पहली बोले जाने वाली फिल्म कौन सी थी? तो दोस्तों वो थी आला मारा, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 21 जून को, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा, नीचे दिए गए चिन्ह को क्या इंगित करता है? तो ये इंगित करता है कि आगे जाना निषेध है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा, नीचे दिए गए चिन्ह ये क्या प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों ये प्रदर्शित करता है कि रुकना या खड़ा होना निषेध, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रुकना या खड़ा होना निषेध है। चलिए नेक्स्ट हमारा, विपरीत दिशा में आने वाले वाहन पास हो सकते हैं, आपके कौन सी ओर पास हो सकते हैं? तो आपके दाईं ओर ये पास हो सकते हैं, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा, एक पैदल पर्वत के पास जब पैदल चलने वाले यात्री सड़क पार करने का इंतजार कर रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए? तो हमको करना चाहिए कि वाहन को रोककर तब तक प्रतीक्षा करनी चाहिए जब तक कि पदयात्री पथ पार न कर ले, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा, यदि रास्ते पर यह चिन्ह प्रदर्शित है कि रास्ते फिसलन भरा है यानी रास्ता फिसलन भरा है, तो वाहन चालक को क्या करना चाहिए? तो दोस्तों वाहन चालक को करना चाहिए कि बीस का करेक्ट आंसर हो जाएगा, गियर बदलकर वाहन की गति को कम करना चाहिए। चलिए बीस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा, निम्न में से यह चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? तो ये प्रदर्शित करता है कि आगे मुख्य रास्ता है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा, RTO 1 की फॉर्म वन की विशेषता क्या है? तो RTO फॉर्म वन की विशेषता है कि शारीरिक फिटनेस के रूप में। चलिए नेक्स्ट हमारा, हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों हिंदी में वचन होते हैं जो दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। चलिए नेक्स्ट हमारा, हिंदी में वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य होते हैं 3 प्रकार के, हिंदी में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा, किरण का पर्यायवाची क्या है? तो किरण का पर्यायवाची है ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रभा किरण का पर्यायवाची है। चलिए नेक्स्ट हमारा, मीन का पर्यायवाची क्या है? तो मीन का है मत्स्य, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा, उत्तम का पर्यायवाची क्या है? तो उत्तम का जो पर्यायवाची हो जाएगा आपका अधम हो जाएगा, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा, कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? तो कृतज्ञ का होगा कृतघ्न, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा, जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको कहते हैं सुग्रीव, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हमें खालिस्तान बताना है, तो सत्य और अहिंसा का क्या संबंध है? तो वो संबंध है घनिष्ठ, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब तक वह घर पहुंचा तब तक हो सके पिता घर जा चुके थे, तो इसमें बताना है कि कौन सा वाक्य है? तो दोस्तों इसमें वाक्य है जो मिश्र वाक्य है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विष में स्थायी भाव किस रस का है? तो विष में है अद्भुत रस का, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, शुद्ध वर्तनी का चयन करो, तो शुद्ध वर्तनी बतानी हमें इनमें से चारों में से कौन सी होगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तो स्थाई जो है अध्यक्ष थाई, तो ये सही हो जाएगी शुद्धि वर्तनी। चलिए नेक्स्ट हमारा, नीचे लिखे अंग्रेजी शब्द में से कौन सा अंग्रेजी शब्द सही लिखा है? तो इसमें लिखा है जनरल, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो 3 है ये गलत लिखे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा, सी पीपड़ हर
रिवल, यहाँ पर खालिस्तान है, यहाँ पे बताना क्या आएगा, द गोल्ड मेडल। तो इसके इसमें आएगा ऑप्शन बी फोर, तो सी पीपल हर रिवल फॉर द गोल्ड मेडल। चलिए नेक्स्ट हमारा, निम्न में से नीचे लिखे अंग्रेजी शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो अर्बन का हमें बताना है कि उल्टा क्या होगा, तो अर्बन का होगा रूरल, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा, नीचे लिखे अंग्रेजी शब्द का हिंदी में अर्थ क्या होगा, तो इसका हिंदी में अर्थ होगा अकॉर्डिंग टू का के अनुसार, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ये मैथ से है, 74। तो देखते हैं इन्होंने इसमें क्या कहा। तो ए किसी कार्य को 10 दिन में और बी उस कार्य को 20 दिन में कर सकता है, यदि वे दोनों मिलकर 5 दिन तक उस कार्य को करते हैं तो कार्य का कितना से बचेगा, यानी कि ये बोल रहा है कि 5 दिन करने के बाद कार्य का कितना भाग अब बचने वाला है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व बहुत ही आसान तरीके से। तो ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 10 दिन में, और बी उस कार्य करता है 20 दिन में। दोस्तों हमें इसमें क्या करना है कि इन दोनों का हमें एलसीएम मान लेना, और एलसीएम क्या मानना है, छोटा छोटा। तो इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा 20, ठीक है। तो अगर ए इस कार्य को 10 दिन में करता है तो 1 दिन का हम कार्य निकाल लेंगे, तो ए 1 दिन में कितना करेगा, ए 2। और बी अगर हम बी का निकालेंगे, यानी इस कार्य को 20 दिन में करता है तो 1 दिन में कितना करेगा, तो ए करेगा, क्योंकि हम 10 से इसे भाग लगा देंगे और 20 से भाग लगा देंगे, ठीक है। अब हमें देखना है कि ये दोनों 1 दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, तो दोनों 1 दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, 3, क्योंकि ए 2 कर रहा है और बी 1 कर रहा है, और दोनों मिलाकर 1 दिन का काम कितना हो रहा है इनका, 3। अब कह रहा है कि यदि दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं, और दोनों मिलकर 1 दिन में कितना करते हैं, 3, 1 दिन में 3, और 5 दिन में कितना करेगा, अगर हम 5 से इसके गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 15। तो हमारा काम कितना हो गया, अब जब 15, ठीक है। अब आगे उसने कहा कि दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं तो कार्य का कितना अंश बचेगा। अब कितना अंश बचा, हमारा टोटल कार्य कितना था, 20, ठीक है। अब हम इधर लिखते हैं, और 20 में से 15 हमारा हो गया, तो कितना बचा, 5। 20 में से हमारा बचा है 5, ठीक है। अब हम इसे काट के छोटा कर लेते हैं, 5 एकम 5 और 5 चौक 20, तो 1/4 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1/4 ही बचा है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंजलि कहती है वह मेरी बहन के भाई के पिता, ये पिता है आप इसे पिता कर लीजिए, ठीक है। तो अंजलि कहती है वह मेरी बहन के भाई के पिता का इकलौता पुत्र है, तो वह व्यक्ति अंजलि से किस प्रकार संबंधित है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं हम सॉल्व। तो अंजलि को हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, और वह कोई है यहाँ पर, इसके बारे में जो है सारी बात चल रही है, ठीक है। तो वह मेरी बहन और इसकी बहन है, उसको हम सिस्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, उसको हम सिस्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, और बहन के भाई, इसका एक भाई है तो उसको हम ब्रदर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो भाई के जो पिता है, पिता, और हमने इसको पिता को यहाँ पर ले लिया, तो जो ये पिता हो गया, ये तीनों का पिता हो गया, ठीक है। जो एक ही बहन है, ये सिस्टर, एक ही सिस्टर है और सिस्टर का ये भाई है, तो तीनों भाई बहन हो गए, और भाई बहन और इनका एक पिता है, तो ये तीनों का पिता हो गया, ठीक है। तो आगे लिखा है कि पिता का इकलौता पुत्र है, तो ये जो है बी इकलौता पुत्र है, और ये है ना इसके बारे में बात चल रही है, वह के बारे में जो था ये, ठीक है। तो आगे लिखा है उन्होंने इकलौता पुत्र है, तो वह व्यक्ति अंजलि से किस प्रकार संबंधित है, और ये जो वह व्यक्ति है जिसके बारे में बात कर ली है, और ये बी है, तो बी को नहीं, तीनों भाई बहन है, तो ये इसका भाई लगेगा, यानी अंजलि का ये भाई है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सीरीज से, रीजनिंग से ही। तो इस क्वेश्चन को हम है ना वो अंतर लेकर सोल्व करेंगे। तो 8 और 3 और 8 में कितने का अंतर है, 5 का हमारा इसमें अंतर है, और 18 और 8 में कितने का अंतर है, 10 का अंतर है, और 18 और 33 में कितने का अंतर आएगा हमारा, तो ये आएगा 15 का। तो आप देख रहे हो 5 गुना चल रहा है, 5 दूनी 10 और 5 थे 15, और यहाँ पर कितने का अंतर होना चाहिए, तो 20 का अंतर होना चाहिए, 33, और यहाँ पर कितने का अंतर होना चाहिए, 20 का। अगर हम 33 में 20 जोड़ देंगे तो कितना आएगा हमारा, 53, ठीक है। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा आएगा 53। अगर हम 53 में यहाँ पर कितना जुड़ना चाहिए, 25, अगर हम 53 में 25 जोड़ देंगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा हमारा, 78, ठीक है। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा मैथ से ही है भी। तो जॉन की आयु 42 वर्ष और राम की आयु कितनी है, 26 वर्ष। तो कितने वर्ष पहले राम की आयु जॉन की आयु की आधी थी। तो इस क्वेश्चन को जो हम करेंगे वो करेंगे ऑप्शन से सोल्व। तो वर्तमान जो है जॉन की कितनी है, 42, वर्तमान है 42 जॉन की, और रामों की कितनी है, रामों की 26। अगर हम ऑप्शन एक ठाई पहले 8, ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी, 34, और
इसकी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 18। के 18 से दोगुना है 34, नहीं है 36 होता है दोगुना, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जॉन और रामू 6 उठाते हैं, तो वर्तमान में कितनी है, 42 है, और 42 में से अगर हम 6 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 36, ठीक है। और अगर इसमें से 6 घटाएगा तो कितना आएगा हमारा, 20। क्या ये 20 दोगुना है, नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं हम, ऑप्शन नंबर 4। तो अगर हम जॉन की वर्तमान में कितनी है, 42 है, अगर हम इसमें से 4 घटा देंगे 42 में से, कितना हो जाएगा 38। और ये रामू कितनी है, 26, अगर इसमें से हम 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 22। क्या 22 का दोगुना है 38, नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा, हम मानते हैं अब जब 10, तो वर्तमान कितनी है 42, अगर हम 42 में 10 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 32, ठीक है। और रामू कितनी है, वर्तमान 26 है, अगर हम इसमें से 10 घटाएं तो कितना आएगा हमारा 16, ठीक है। अब क्या 16 का दुगना है 32, ठीक है, हाँ दुगना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10 आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो जो ये लिखा हुआ है इससे ये नहीं बनाया जा सकता। चलिए पहला हम ऑप्शन देखते हैं, तो DYNAMO, डायनमो, तो डायनमो क्या इसमें लिखा हुआ है, तो हाँ बिल्कुल सारे शब्द इसमें लिखे हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, मैथमेटिक्स, क्या मैथमेटिक्स इस इन शब्द से बन सकता है, तो देखते हैं, MATHEMA, तो इसमें डबल एम आ रहा है पहले, तो ये देख चेक कर लेते हैं हम, तो हाँ इसमें एक एम ये रहा और एक एम ये रहा, ठीक है। अब हम टी देखते हैं, टी इसमें डबल आ रहा है, क्या इसमें टी डबल आ रहा है, तो एक तो टी ये रहा और दूसरा टी नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तो ये मैथमेटिक इससे नहीं बनाया जा सकता। चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया हमारा सोल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 79, इसमें हमें यहाँ पर बताना है क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, तो 23:13, समानुपात, 54:54, तो क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पर क्या आएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, इसे भी अंतर लेकर हम सोल्व करेंगे, तो इसमें और इसमें कितने का अंतर है, तो 23 में से हमारे 10 घट रहे हैं, तो जब आ रहा है हमारा 13, तो ऐसे ही 54 में से अगर हम 10 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, तो 44 आ जाएगा, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट है हमारा, नाटक का संबंध किससे है कलाकार से, इसलिए संगीत गोष्ठी का जो संबंध होगा किससे होगा, तो वो होगा संगीतकार से, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ए ने एक वस्तु को 400 रुपये में खरीदी और वह उसे बी को 20% लाभ पर बेच देता है, और बी उस वस्तु को सी को 10% लाभ पर बेच देता है, तो सी ने बी को कितने रुपए चुकाए। चलिए इसको थोड़ा बड़ा करके हम सोल्व करते हैं, तो ए ने थोड़ा से, ठीक है, तो ए ने एक वस्तु को 400 रुपये में खरीदी और बी को उसे 20% लाभ पर बेचता है, तो 400 का अगर हम 20% निकालेंगे, 400 का अगर हम 20% निकालते हैं तो कितना आएगा हमारा, तो 2 जीरो से 2 जीरो काटते हैं, तो 20 चौक 80, तो हमारा 80 आ जाता है। तो ए ने उसे बी को कितने रुपए में दिया, तो 80 रुपये फालतू में, यानी 480 रुपये में उसे दिया, तो कितने रुपए में मिली उसे, अब जो वो 480 में मिली, ठीक है। और बी उसे वस्तु को सी को 10% लाभ पर बेच देता है, तो अब वो उसकी वस्तु जो बी की है वो कितने की, 480 की, अगर हम इसका 10% निकालेंगे, तो अगर हम इसका 10% निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो हमारी कट जाएंगी, तो 48, तो 480 और प्लस 48, तो 480 प्लस 48 जो हमारा हो जाएगा, तो अब कितने की पड़ेगी उसको, 8, 8 4 12 और 4 और 1 5, तो 528 की उसे पड़ी, यानी सी को, तो सी ने बी को कितने रुपए चुकाए, तो 528 रुपये उसे चुकाए, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत ही आसान तरीका था, बस यहाँ पर जगह थोड़ी थी, तो हमने बस इसे थोड़ा बैक कर करके सॉल्व किया, आपकी समझ में आ गया होगा, ज़्यादा बड़ी बात दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जितना ब्याज 5 वर्ष में 4% की साधारण ब्याज दर पर 6,000 रुपये पर होगा, उतना ब्याज 8,000 रुपये की राशि पर 3% वर्ष की दर पर कितने समय में होगा, ठीक है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व, यानी कि 4% की वार्षिक दर है, यानी कि 1 साल का जो ब्याज है वो 4% है, अगर हम इसका टोटल लेंगे 5 वर्ष का, तो कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का 4, तो 5 वर्ष का 5 की अगर हम इसमें गुणा कर देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, तो टोटल है जो 20% वो है हमें 6,000 रुपये पर ब्याज लेना है। अगर हम 6,000 रुपये पर 20% का ब्याज लेंगे, ठीक है, 20% का ब्याज लेंगे, तो 2 जीरो से हमारी 2 जीरो यहाँ पर कट गई, और
60 की 20 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1200 रुपये। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि टोटल 1200 रुपये हमारा ब्याज हुआ है। आगे हम देखते हैं, तो उसने कहा उतना ही ब्याज 8000 रुपये पर 3% की वार्षिक दर पर कितने समय में होगा। ठीक है, तो 1200 रुपये ही हमें यहाँ पर ब्याज करना है। तो अगर हम 8000 रुपये का 3% निकाल लेंगे एक साल का, ठीक है, 2 जीरो हमारे 2 जीरो कट गए और 8 तिया 24, ठीक है, तो एक साल का हमारा हो गया 240। तो अब हमें देखना है कि 1200 रुपये कितने साल में होगा। तो 240 को अगर हम भाग कर देंगे, 240 से भाग कर देंगे 1200 को, तो हमारा निकल के आ जाएगा 1 जीरो से 1 जीरो कटी और 12 दूनी 24, यहाँ पर बचा 10 और 2 पंजे 10, तो कितना आएगा हमारा 5 साल। तो ये 5 साल में जो है 1200 रुपये हो जाएगा 3% की दर पे 8000 रुपये पर, तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 48% अंक चाहिए थे, उसे केवल 48 अंक मिले और वो 48 अंक से अनुत्तीर्ण यानी फेल हो गया। तो कुल अंक क्या है, ठीक है, तो उसे 48 अंक मिले और 48 अंक से वो क्या हो गया, फेल। अगर उसे 48 अंक और मिल जाते तो पास हो जाता, अगर उसे 48 अंक और मिल जाते और पास हो जाता, और कितने अंक से मिलता, कितने अंक से हो जाते, तो 48%। तो 48 और 48 कितने होते हैं, 96। तो ठीक है, तो 48% बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 96। ठीक है, ये प्रतिशत है क्योंकि 48% अंक चाहिए था ना उसे, और 48 अंक मिले और 48 अंक से फेल हो गया। अगर इसे 48 अंक और मिल जाते तो ये पास हो जाता, और कितने प्रतिशत मिल जाते, 48 अंक 48% मिल जाते। ठीक है, तो हमें 100% निकालना है कि 100% कितना होगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे मैं यहाँ पर इसकी, तो 100/48 और 48 को हम 96 से कटते हैं, 48 दूनी 96 और 100 × 2 कितना होता है, 200। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 200 कुल अंक थे। चलिए आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था और हमने इसे बहुत ही आसान तरीके से सोल्व कर लिया, एक्स की मानने की भी इसमें ज़रूरत नहीं पड़ी। चलिए नेक्स्ट है हमारा 84। ए और बी एक ही समय में क्रम से 40 किलोमीटर प्रति घंटे और 50 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलना प्रारंभ करते हैं, यदि यात्रा पूरी करने में ए को 20 से 15 मिनट अधिक का समय लगे तो यात्रा कुल कितनी दूरी थी, यानी कि यात्रा की कुल कितनी दूरी थी। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। तो ए और बी था कोई, ठीक है, ए कितना चल रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा से और बी कितना चल रहा है, बी चल रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा से। ठीक है, और हमें क्या मानना है कि इनसे कटने वाली एक दूरी मान लेनी है, हमारी कटने वाली दूरी क्या है इनसे दोनों से, तो वो होगी 200। ठीक है, 200 होगी। अगर वो 40 की स्पीड से जाएगा तो 200 किलोमीटर की दूरी कितने दिन में तय कर देगा, वो तो कर देगा लगभग 5 घंटे में। ठीक है, और अगर 50 की स्पीड से जाएगा, 200 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, तो कितने समय में जाएगा, 4 घंटे में। और ठीक है, और अब यहाँ पर देखो कि वो कितना समय कम ले रहा है, तो यानी 1 घंटा, ये वो 5 घंटे में जा रहा है और बी कितने घंटे में जा रहा है, 4 घंटे में, तो कितना कम समय ले रहा है, तो ले रहा है 60 मिनट कम, यानी 1 घंटा कम, और वो कितना ले रहा है, 15 मिनट कम। ठीक है, हम इसका बस कंपेरिजन करना है और हमें दूरी बतानी है, दूरी कितनी, तो दूरी हमारी कितनी थी, 200, तो हमें यहाँ पर 200 ही मानना है इसके नीचे, और यहाँ पर हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है। तो 200 200 बटे 60 और 15 चौका 60 और 4 से हम अगर 200 कटेंगे तो कितना आएगा हमारा, 50। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बीएस मानक किसके द्वारा लागू किया जाता है। तो दोस्तों ये लागू किया जाता है पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा तथा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड द्वारा। तो सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए बी दोनों के द्वारा ये लागू किया जाते हैं। नेक्स्ट हमारा, बी स्त्री मानकों के पेट्रोल वाहनों में कितने मिलीग्राम प्रति किलोग्राम सल्फर उत्सर्जित हो सकते थे। तो ये हो सकते थे 50 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम सल्फर उत्सर्जित। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उर्वशी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों ये लिखी गई है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है ट्रांबे में। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए
नेक्स्ट हमारा ललित कला अकादमी की स्थापना कब की गई थी, तो दोस्तों ये की गई थी सन 1954 को, तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 15 मार्च को, तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, तो न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन, तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, तो सिक्किम राज्य की स्थापना कब की गई थी, सिक्किम राज्य की स्थापना हुई थी 26 अप्रैल 1975 को, तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा आयुर्वेदिक चिकित्सा के जनक किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है चरक को, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा भू आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो भू आंदोलन के प्रवर्तक के विनोबा भावे, तो इसका भी एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा ऑस्ट्रेलिया ओपन कप किस खेल से संबंधित है, तो ये संबंधित है टेनिस से, तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा संचार उपग्रह स्थित होता है, तो दोस्तों ये होता है आयन मंडल में, तो ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हमारा है वायु वायुयान उड़ान भरता है, तो कौन से मंडल में भरता है, तो ये भरता है आयन मंडल में, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, तो दोस्तों सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है तो है बुध ग्रह, तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, और जो ये बुध ग्रह है यही सबसे नज़दीक है सूर्य के। चलिए नेक्स्ट है हमारा भोर का तारा या सांझ का तारा हम किसको कहते हैं, तो दोस्तों कहते हैं शुक्र ग्रह को, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है, तो दोस्तों लखनऊ बसा है गोमती नदी के किनारे, तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज का जो मॉडल टेस्ट है हमारा यहीं पर समाप्त होता है, और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ और व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए जो भी एनसीएल की तैयारी कर रहा है। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके जब भी हम अपने चैनल पर कोई नई वीडियो अपलोड करें एनसीएल से रिलेटेड। तो दोस्तों अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें मिशन नेक्स्ट एग्जाम। नमस्कार।